नहीं जेठा नहीं, बापूजी को फिजूल खर्च बिल्कुल पसंद नहीं था। हम लोग एक काम करेंगे, बापूजी के जन्मदिन पर सुबह प्रार्थना करके गौशाला जाएंगे और गाय को घास खिलाएंगे, और हाँ वहाँ 21,000 का दान भी देंगे। हाँ हाँ बापूजी, अरे दादाजी गौशाला में बहुत सेवा करते थे, ये अच्छा आइडिया। और एक काम करता हूँ बापूजी, दादाजी के फोटो के लिए मस्त बढ़िया फ्रेम बना लेता हूँ, चांदी की फ्रेम। चांदी की फ्रेम? हाँ बाबूजी, अभी इसमें मना मत करना, दादाजी के लिए मुझे इतना तो कर नहीं देना। मस्त 1x1 फुट की चांदी की फ्रेम। लेकिन 1 फुट की फ्रेम में इतना छोटा फोटो कैसे लगेगा? अरे दया, यही फोटो फ्रेम में नहीं आएगा, ये फोटो को बड़ा करके वो फ्रेम में फिट करेंगे। अच्छा, तो वो फोटो वाले को कहना कि फोटो बड़ा करते वक्त तू फट न जाए। अरे इसी फोटो को खींचतान के बड़ा नहीं करेंगे, तो पहले ये फोटो को कंप्यूटर में डालेंगे, फिर बड़ा हो जाएगा। अच्छा, कंप्यूटर है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन जेठिया संभाल गया, ये बापूजी की मेरे पास एक ही फोटो है। बापूजी, दादाजी का एक ही फोटो है और दूसरा कोई फोटो ही नहीं है? बहुत फोटो थी बापूजी की, हमारे परिवार की, पर 26 जनवरी 2001 कच्छ में भूकंप आया, हमारा सारा सामान, सारी तस्वीरें, सारी यादें बर्बाद हो गई। बस बापूजी की एक फोटो मेरी जेब में थी जो बच गई। सच में बाढ़, सुनामी, भूकंप एक पल में इंसान की जिंदगी को तहस नहस कर देता है। कुदरत एक पल में सब कुछ देता है और एक पल में सब कुछ छीन भी लेता है। पल भर में जो हमारे साथ होते हैं वो हमसे बहुत दूर चले जाते हैं। बस अब घड़ा खानदान की आखिरी विरासत यही है, पर अब ये विरासत मैं संभालूंगा बापूजी, मैं। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। चलता मम्मी, मम्मी। जेठिया तू अपने आप को तो संभाल नहीं सकता, विरासत क्या संभालेगा? बापूजी टप्पू का धक्का लगा उसमें। हाँ जरा। ए भाई है, क्या तेरी जिंदगी में इतनी भागदौड़ क्या है? नहीं पापा, मैं सिर्फ मम्मी को बताने आया था कि मैं नीचे खेलने जा रहा हूँ। बता कर जाओ तो भी प्रॉब्लम, नहीं बता कर जाओ तो भी प्रॉब्लम। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि इतनी सी बात बताने के लिए इतना दौड़ने की क्या जरूरत है? बेटा सॉरी सॉरी। अरे जेठिया एक सेकंड जरा फोटो दिखा। चल अब जा। अरे बापूजी ऐसा क्या कर रहे हैं, मैं संभाल के ले जाऊंगा फोटो ये। नहीं नहीं नहीं, तू फोटो नहीं संभाल पाएगा, रहने दे। दादाजी किसकी फोटो दिखा? ये देख। अरे दादाजी आप इसमें कितने मस्त लग रहे हो। अरे टपूड़ा ये मेरी फोटो नहीं है, ये तेरे पर दादाजी की फोटो है, यानी ये जेठिया के दादाजी की फोटो है। टप्पू बेटा परसों तुम्हारे पर दादाजी की 100वीं जन्म जयंती है, मतलब विश यू हैप्पी बर्थडे है। अरे वाह, मुझे पार्टी होगी। टप्पूड़ा पार्टी तेरे जन्मदिन पर करेंगे, ठीक है? ठीक है दादाजी, मैं खेलने जा रहा हूँ, बाय। अरे बाबूजी एक सेकंड फोटो दिखाना था। मेरी जेठी मुझसे में हो? बापू जी थोड़ा तो विश्वास रखो मुझ पर, मैं संभाल के रखूंगा प्लीज। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर इस फोटो को कुछ हुआ ना तो मैं तेरा भी वही हाल करूंगा जो नाथा का किया था। क्या किया था नाथा के साथ? नाथा ने एक बार मस्ती मस्ती में बापूजी का फोटो कहीं छुपा दिया था, तो मैंने नाथा को नीम के पेड़ पर उल्टा लटका कर नीचे से मिर्ची का धुआं दिया था। ऐसा कुछ करने की नौबत नहीं आएगी बापूजी, क्योंकि मैं भी दुकान जाते ही दुकान के बाजू में कुमार भाई का स्टूडियो है ना, उनके पास ये फोटो बड़ा करवा लूंगा। वो चांदी के फ्रेम भी कुमार भाई बनाते थे, उसमें फोटो फिट करके मैं आपको गिफ्ट करूंगा बापूजी। अरे
मेरी माँ भी कहती है कि घर में बुजुर्गों के फोटो तो होने ही चाहिए। जीवन में कभी भी कोई मुसीबत आ जाए या मन अशांत हो जाए तो हमारे बुजुर्ग के फोटो को एक बार देखने से मन एकदम शांत हो जाता है और मुसीबत से लड़ने की प्रेरणा मिलती है। ओह, बिल्कुल सही कहा तुम्हारी माँ ने दया। बाबूजी मैं काम करूंगा, एक फोटो चांदी के फ्रेम में और बाकी तीन चार कॉपी और करवा लूंगा। हाँ, लेकिन तब तक मेरे पास ये एक ही फोटो है। बापूजी आप बेफिक्र रहिए, चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि भी ये फोटो मेरे पास सही सलामत है। ये बाबूजी, ये क्या किया तूने? बाबूजी का फोटो नीचे गिरा दिया। चिपक गई थोड़ी, क्या चिपक गई? अरे दूर रहना, मैं उठाता हूँ बापू जी। टप्पू के पापा, मैं क्या कहती हूँ कि आप शायद काम में भूल जाएंगे तो, और मैं तो फ्री ही हूँ, तो हमारे बाजू में रंगोली फोटो स्टूडियो है ना, तो मैं वहाँ जाके फोटो को बड़ा करके लाऊं, चांदी के फ्रेम आप लेकर आना। ये मेरे दादाजी की फोटो है, सब कुछ मैं ही करूंगा, कोई प्रॉब्लम? अरे झटिया, तू पर्स में फोटो रख रहा है? कुछ नहीं होगा बापूजी, फोटो को इधर एकदम सही सलामत रहेगा। देखिए मैंने ना हम सबकी फोटो कितने टाइम से मेरे पर्स में रखी, देखो कुछ हुआ? कुछ नहीं। आप बेफिक्र रहिए बापूजी, रात को मैं दादाजी की फोटो चांदी की फ्रेम में लेकर आऊंगा। तब तक जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चलता हूँ बापूजी। जय जिनेंद्र बापूजी, चलता हूँ। हेलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, नटू काका यार। हाँ नटू काका। गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग। अच्छा नटू काका, सेठ जी चाय नाश्ता हो गया? हो गया। अच्छा नटू काका, अच्छा सेठ जी ये बताइए कि सवेरे सवेरे आपने आज नटू काका को क्यों याद किया? वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप जरा सुनेंगे? आप बोलेंगे तो मैं जरूर सुनूंगा। ठीक है, तब भी मैं बोल रहा हूँ, आप सिर्फ सुनो। बोलिए। अपने दुकान के बाजू में कुमार भाई फोटो वाले हैं ना? है ना, तो उनको 10 बजे दुकान में बुला लेना। लेकिन सेठ जी, कुमार भाई ने जो LCD टीवी अपनी दुकान से खरीदा था उसके पैसे तो उन्होंने दे दिए हैं। अरे भाई LCD के लिए नहीं, मुझे उनसे एक फोटो बड़ा करवाना है। किसका? आपका? नहीं नहीं। टप्पू सेठ का? नहीं। बापू जी का? अरे मेरा दादाजी का। क्या आपके दादाजी का फोटो? आपके दादाजी का फोटो आपके पास है? हाँ, क्यों? अरे सेठ जी आप तो बड़े किस्मत वाले हैं, मेरे पास मेरे दादाजी का फोटो तो क्या, मैंने तो उनको देखा तक नहीं, क्योंकि मेरे पैदा होने से पहले ही। नटो काका, आपके दादाजी के बारे में मैं दुकान आऊँ ना, तभी रूबरू में आमने सामने बैठ के बात करेंगे, ठीक है? अभी आप कुमार भाई के दादाजी को बुला लो। कुमार भाई के दादाजी को? मतलब कुमार भाई को बुला लो। ठीक है सेठ जी, और कुछ? और कुछ नहीं। थैंक यू फॉर कॉलिंग गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। नटू काका भी ना सुबह सुबह। अरे बेटा। हाँ बाबूजी, एक मिनट जरा ऊपर आना। बेटा, बापूजी आप चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा फोटो को। लेकिन अच्छा देखिए, ये देखिए मैं दुकान तक ऐसे ही जाऊंगा, बस
शुक्रिया। पर्स इधर है ना, और फोटो पर्स में। ये भाई है, रिक्शा देख के चले। ओ साहब, अरे मेरी रिक्शा तो यही खड़ी थी, आप ही आकर टकरा गए। गुड मॉर्निंग जेठा जी। अरे बबीता जी, गुड मॉर्निंग। एक मिनट, भैया कितना हुआ? 15 रुपए। बबीता जी आप रहने दो, मैं क्या दुकान जा रहा हूँ तो इसी रिक्शा में बैठ के निकल जाओ। आपका और मेरा दोनों का दे दूंगा। इट्स ओके जेठा जी, पर मेरे पास छुट्टे है। ये लो। एक दो मिनट रुका भाई, आ रहा हूँ मैं। ये क्या बबीता जी, ये गलत है, मैं आपका दोस्त नहीं हूँ। तो फिर कभी कभी दोस्तों को रिक्शा का भाड़ा देने का मौका देना चाहिए। जेठा जी का माना भी ना। और सुबह सुबह कहाँ से आ रही है सवारी? टेनिस कोर्ट गई थी। अरे बाप रे बबीता जी, कोई भी टेंशन की बात हो बेझिझक मुझे बताना, बिल्कुल चिंता मत करना। अपनी पहचान का एक बढ़िया सा वकील है, आज तक एक भी केस नहीं आ रहा है। जेठा जी वो कोर्ट नहीं, टेनिस कोर्ट गई थी। टेनिस खेलने? अच्छा अच्छा वो yes. अरे टेनिस बोल छो, खेलते ऐसा 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 वो yes. ऐसा ऐसा लंदन में बहुत खेलते है ना? Yeah, right. हाँ मैं गया था लंदन, तभी देखा था टीवी पे। बहुत मजा आता है टीवी पे देखने का। साहब चले। एक दो मिनट बबीता जी, सुबह का टाइम में झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे भी खेलने का बहुत शौक है। टेनिस? टेनिस भी, लेकिन मैं बात कर रहा था अमली पिपड़ी का। आमली पिपड़ी मतलब? वो हम लोग छोटे थे ना, तभी गांव में बहुत खेलते थे, वो पेड़ पे पकड़ा पकड़े। ओके ओ साहब चले। दो मिनट भाई शांति रख, जरा बातचीत चल रही है इधर। चिंता मत कर, तेरा वेटिंग का दे दूंगा। कहाँ था मैं? पेड़ पे थे आप। क्या बात है जीठा जी, आज आप बहुत खुश लग रहे हो। अरे आज बात ही खुशी की है बबीता जी। क्या हुआ आज सुबह सुबह बापूजी ने आपने मेरे दादाजी का फोटो देखा? नहीं। मैं दिखाता हूँ। क्या सुबह ना बाप भाई, आईना जरा अंदर रख भाई। ये देखिए वो पेटी में था। अरे वाह, बिल्कुल चाचा जी जैसे दिखते हैं। चले। हाँ तो चालू कर, मैं बैठता हूँ दो मिनट। हाँ वो क्या है, परसों पूनम है ना, तो दादाजी की 100वीं जन्मतिथि है। तो क्या रिक्शा वाले आजकल कमाल है, ये रिक्शा वाले भी गजब उतावल होते हैं इनको। हाय माँ, क्या बना छो? मम्मी मम्मी का फोन। हाँ हाँ ठीक है छे। दुनिया के कोई भी औरत हो, अपनी माँ का फोन आए तो आसपास का सब कुछ भूल जाती है। ओ पाट भाई साहब प्लीज, मुझे थोड़ा जल्दी है प्लीज, भैया कॉस्मोस मॉल। मेरी गलती है, मुझे फटक से रिक्शा में घुस जाना चाहिए था। रिक्शा रिक्शा, अरे रोक रोक पट्टो। अरे सॉरी, आपको उतरना नहीं है? नहीं मैंने उतरना नहीं है, मैंने शिव मंदिर जाना है। शिव मंदिर किस तरफ है? शिव मंदिर शंकर भगवान वाला। हाँ जी ये आ गया सर, राइट में। थैंक यू।
चलिए भाई साहब। बाप रे बच गया। रिक्शा रिक्शा। अरे रिक्शा मैंने रोका है, बार बार रिक्शा मैं रोकता हूँ, दूसरे लोग घुस के जा रहे हैं, इसमें तो मैं ही जाऊंगा। अरे भाई साहब आप जाइए। थैंक यू सॉरी। इट्स ओके। चलो भाई साहब चलो। थैंक यू। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। बस 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 बस। कितना हुआ? 35। गुड मॉर्निंग सेठ जी। भगत तू? हाँ सेठ जी मैं। क्या? ये लीजिए सेठ जी बिल। बिल? हाँ सेठ जी, वो जो कल मैंने दो मोबाइल रिपेयर किए थे ना, उसका बिल है। अरे भाई तभी दुकान के अंदर तो जाने दे, दुकान के बाहर ही क्या उग्रणी कर रहा है तू? अरे सेठ जी मैं कहाँ उग्रणी कर रहा हूँ, आपने पूछा क्या है तो क्या है का जवाब तो देना पड़ेगा ना, तो मैंने कहा बिल। सेठ जी क्या है? मेरा बिल मतलब मीटर का पैसा। साहब छुट्टा देना। छुट्टा नहीं होगा तो नहीं लेगा? साहब क्या है ना, सुबह का टाइम है ना, तो हमारे पास छुट्टा नहीं होता। अरे भाई तो हमारा भी सुबह ही है, शाम नहीं हो गया, सुबह सुबह हम छुट्टा कहाँ से लेके आए? एक काम कीजिए सेठ जी, आप अंदर दुकान में जाइए, मैं पैसे दे के आता हूँ। तू तो क्यों देगा भाई? सेठ जी अभी बिल के साथ ले लूंगा ना। ठीक है ये लो भाई। साहब अभी बोला ना छुट्टा मेरे पास नहीं है। अरे भाई कोई बात नहीं रख लो ना। 100 रुपया पूरा। थैंक यू साहब जी। दे दिए सेठ जी। अच्छा अच्छा कर लीजिए। रिक्शा के पैसे दे दिए सेठ जी, तो अभी 400 रुपये बिल के और 100 रुपये रिक्शा के, टोटल 500 रुपये आपको मुझे देने हैं। रिक्शा के 100 रुपये? अरे रिक्शा के तो 35 हुए थे। हाँ सेठ जी लेकिन मेरे पास भी छुट्टे नहीं थे, इसलिए मैंने 65 रुपये का दान आपके नाम से कर दिया है। मेरे नाम से? अरे सेठ जी मैंने अपने पुराने सेठ जी को ऐसे ही दान पुण्य करवा करवा के 2-व्हीलर से 5-व्हीलर कार तक पहुंचा दिया था। 5-व्हीलर कार? मगर 5-व्हीलर कार कौन सी होती है? सभी। नट्टू काका 2 व्हील आगे 2 व्हील पीछे और 1 स्टेपनी, हो गए ना 5 व्हील। वाह वेरी ब्रिलियंट बागा बॉय। सेठ जी मेरा भतीजा बागा आपको पुण्य कमाने का अवसर दे रहा है, दे दीजिए ऊपर के 65 भी दे दीजिए। ये आखिरी बार दे रहा हूँ बागा, आइंदा मेरा नाम से कहीं कोई दान मत करना प्लीज। ठीक है सेठ जी जैसी जिसकी सोच। मेरा पर्स कहाँ गया? नहीं सेठ जी 65 रुपये के लिए बहाना मत बनाइए। अरे बहाना नहीं बना रहा, मेरा पर्स गया। कहीं रिक्शा में तो नहीं गिर गया? भागा, भागा रिक्शा को रोक। वो तो चली गई। अरे तो भाग उसके पीछे, रोक रिक्शा को। भागा, भागा जल्दी भाग, 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 भागा, भाग, भाग, भाग। अरे नट्टू काका आप दुकान खुली छोड़ के कहाँ भाग रहे हैं, आप दुकान संभालिए। अच्छा अच्छा सब कहाँ जाना? अरे भाई तूने मैं और रिक्शा को रोक रहा था। वो या ये एक ही तो है, बैठो ना सब। अरे भाई नहीं बैठे तो निकलना भाई इधर से। ये आपने क्या किया सेठ जी, इस रिक्शा में बैठ के हम उस रिक्शा का पीछा कर सकते थे, अभी तो वो रिक्शा भी चली गई। भगवान ये क्या अनर्थ हो रहा है आज मेरे साथ। अब फिकर मत कीजिए सेठ जी मैं हूँ ना, चलिए हम लोग RTO में कंप्लेन करते हैं। रिक्शा का नंबर मालूम है? नहीं। तो? लेकिन सेठ जी रिक्शा में तो आप आए थे, तो नंबर तो आपको पता होना चाहिए ना। तो मैं रिक्शा में आता, बस में नहीं आता कि नंबर देख के बैठो। नहीं सेठ जी
आप जिस नंबर की बात कर रहे हो वो बस के ऊपर होता है और मैं जिस नंबर की बात अरे भाई नहीं मालूम है मुझे रिक्शा का नंबर। मुंबई में 1,00,000 रिक्शा होगी तो 20 रिक्शा को कहाँ ढूंढेंगे। चलिए छोड़िए सेठ जी, आइए गन्ने का रस पीते हैं। यहाँ मेरी लंका जल गई है, तुझे रस की पड़ी है? लंका? आप अपने आप को रावण समझते हो? पर्स मिला सेठ जी? समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो गया, पर्स जेब में से गिरा कैसे? छोड़ो ना सेठ जी, दूसरा पर्स ले लेना। नट्टू काका पर्स में बहुत कीमती चीज थी। आईपीएल मैच की टिकट? ओह सॉरी। बहुत सारे पैसे थे? पैसों की बात नहीं है नट्टू काका, भगवान ये मेरे साथ ऐसा अनर्थ क्यों हुआ? सेठ जी आप दान के 65 रुपए खुशी खुशी नहीं दे रहे थे ना, इसलिए पनौती लग गई। गया पर्स। तू अपना मुंह बंद रखेगा? एक तो ये सब तेरी वजह से हुआ है। तू अगर बाहर नहीं बोलता कि रिक्शा के पैसे मैं दे देता हूँ तो पैसे मैं देता और तभी मुझे पता चल जाता कि मेरी जेब में पर्स नहीं है और पर्स रिक्शा में से मिल जाता। नोट डायो नहीं तो। अरे मोबाइल चला जाता तो चलता, पर्स क्यों गया? सेठ जी पर्स में ऐसा क्या कीमती था? मेरे दादाजी की फोटो थी नट्टू काका, दादाजी की फोटो। बस तो उसमें क्या सेठ जी, दूसरा फोटो निकलवा दो। उसके लिए ऊपर जाना पड़ेगा। ओहो मतलब दादाजी। तू जा भाई। कहाँ? ऊपर। तू यहाँ से जा, मेरी दुकान में से बाहर निकल। देख देख बगा, तू मेरा दिमाग और मत पका, वैसे ही मेरा दिमाग एकदम घूम रहा है वॉशिंग मशीन में कपड़े की तरह। नट्टू काका। बगा तू भी जा यहाँ से। बिल? अरे तेरा 500 रुपए मैं लेके आऊंगा। जा रहा हूँ सेठ जी, जा रहा हूँ। अच्छा नट्टू काका चलता हूँ। और हाँ सेठ जी, इतिहास गवाह है कि समंदर की लहरें और बाघा दोनों एक समान है, दोनों हमेशा हमेशा के लिए नहीं जाते, लौट के वापस आते ही हैं। अभी भले आप मुझे मेरा अपमान करके यहाँ से निकाल रहे हो लेकिन वापस बुलाना ही पड़ेगा। चलता हूँ। सेठ जी बहुत बुरा हुआ। बुरा नहीं नट्टू काका, बहुत बहुत बुरा हुआ। पता नहीं कहाँ होगा मेरा पर्स। सेठ जी मैं पर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाघा की बात कर रहा हूँ। बेचारे को खामोखा आपने डांट के निकाल दिया, उसे बहुत बुरा लगा सेठ जी। अरे अपना बाघा की पिपुड़ी बजाना बंद कीजिए नट्टू काका, आपको आइडिया भी है कितना बड़ा अनर्थ हो गया मेरे साथ? मेरा दादाजी की एकमात्र फोटो जो मेरे बापूजी ने बरसों से संभाल कर रखी थी वो मैंने 1 घंटे में घुमा दी। बापूजी मुझे बार बार कह रहे थे जेठिया संभालना, फोटो का कुछ होना नहीं चाहिए, जेठिया रहने दे मत ले जा। मैंने बोला नहीं बापूजी विश्वास रखिए मैं संभाल के रखूंगा। नहीं कर दिया जेठा ने उंबाड़िया। सेठ जी एक ही फोटो था तो 2-4 कॉपी करवा लेनी चाहिए थी ना। अरे भाई वही करवाने के लिए तो फोटो मैं घर से यहाँ लेके आया, उसके पहले यह कांड हो गया। दादाजी की एकमात्र फोटो, आखिरी फोटो घुमा दी मैंने। बापू जी कितना प्यार करते हैं अपने बापू जी से, अभी किस मुंह से मैं बापू जी से कहूं कि हमारा गड़ा खानदान की आखिरी विरासत को मैंने घुमा दी। नहीं नहीं मैं बापू जी से कुछ नहीं कहूंगा, मैं बापू जी को बिल्कुल पता नहीं चलने दूंगा कि फोटो गुम गई है। नहीं बिल्कुल नहीं, हमारा गड़ा खानदान की आखिरी विरासत थी ये फोटो। अरे जेठा जी ने कैसा फोन दिया है, बार बार बैटरी लो हो जाती है। अरे विकास भाई इधर आइए। देखिए विकास भाई हमने आपके मोबाइल की कंप्लेन कंपनी में दर्ज कर दी है। हर बार यही जवाब देते हैं, मैं तो आपकी दुकान से फोन लेके परेशान हो गया। अरे भाई तो क्यों लिया यहाँ से फोन,
एक मिनट, कितने का लिया था फोन? 3000। नटू काका दे दो 3000। लेकिन सेठ जी। नटू काका 3000 दो, बात खत्म करो। जी हेलो। टप्पू के पापा क्या कर रहे हो? सर पीट रहा हूँ अपना। क्या दया, फोन क्यों किया बोलने भाई? हाँ, लेकिन आप इसमें इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या हुआ, हुआ क्या? अरे अगर दया को सच बता दूंगा तो बापूजी को बता देगी। नहीं नहीं ओ, मैं मजाक कर रहा था। बोल बोल बोल, फोन क्यों किया? मजाक हो तो ठीक। अच्छा, वो मैंने ये पूछने के लिए फोन किया कि आप दादाजी का फोटो कितना बढ़िया करवा रहे हैं। फोटो दादाजी का फोटो कितना बड़ा करवा रहे हो? फोटो वो 1 फुट बाय 1 फुट। मतलब फोटो भी 1 फुट का और फ्रेम भी 1 फुट की? नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगी। देखिए। अरे भाई, मुझे कुछ नहीं देखना है, वो कुमार भाई फोटो वाले हैं ना, वो सब देख लेंगे। अरे हमारे दादाजी का फोटो कुमार भाई क्यों देखेंगे? क्योंकि उनका फोटो का बिजनेस है। तो बराबर है, वो देखना ही चाहिए। मैं क्या कह रही हूँ कि फ्रेम से फोटो थोड़ा छोटा बनवाना, नहीं तो पता है ना मेरे बोलू मामा के बेटे राजेश के साथ क्या हुआ था। अरे उसने फोटो और फ्रेम दोनों एक ही साइज के करवाए थे, तो फ्रेम के अंदर फोटो जा ही नहीं रहा था। बोलो। अरे वो तेरे रिश्तेदार है, वो कुछ भी कर सकते, तो भी फोन रखने पर इधर बहुत टेंशन है। क्या टेंशन है? इधर घरा के बहुत है। भगवान करे आप हमेशा टेंशन में रहो। मतलब आपके आसपास हमेशा ग्राहक रहे। रखती हूँ फोन। थैंक यू। क्या क्या? अरे फोन रखना भाई तो। हाँ हाँ। सेठ जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, पर्स रिक्शा में गिरा कैसे? पता नहीं नटो काका। सेठ जी याद करो, आखिरी बार आपने पर्स कब देखा था? आखिरी बार आपने मेरे दादाजी का फोटो देखा? नहीं। मैं दिखा दो, ये देखिए, वो पेटी में था। हाँ, बबीता जी को मैंने पर्स दिखाया था। बबीता जी को पर्स क्यों दिखाया? नहीं, मतलब पर्स नहीं दिखाया था, वो पर्स में दादाजी का फोटो था ना, वो बबीता जी को दिखाने के लिए मैंने पर्स जेब में से निकाला था। अच्छा, फिर बस मैं रिक्शा में बैठ के यहाँ आया। बराबर, बबीता जी को आप मिले और वहां से सीधे रिक्शा में बैठकर यहाँ आए, तो इसी बीच में आपका पर्स कहीं गिरा होगा। हाँ। एक काम कीजिए सिर, यहाँ से वापस बबीता जी तक जाइए। से विचारों में याद कीजिए क्या क्या हुआ। भाई साहब आप जाइए। नटू काका, मेरा पर्स रिक्शा में नहीं गिरा है, बल्कि मैं जब रिक्शा में बैठने जा रहा था तभी एक और आदमी आया था रिक्शा में बैठने के लिए, वो मुझसे टकराया भी था। लगता है नक्की उसने मेरा पर्स मार लिया। सेठ जी, यही तो पॉकेट मारो की मॉडल ऑपरेंटी होती है। आई एक्सप्लेन यू, पहले टकराते हैं, बाद में आहिस्ते से पर्स खींच लेते हैं। गुड मॉर्निंग जेठा भाई। अरे गुड मॉर्निंग नहीं, बैड मॉर्निंग चल रही है कुमार भाई। हमारा भी यही हाल है, सवेरे कैमरा खराब हो गया, कैमरा ठीक किया तो लाइट चली गई, और जब लाइट आई तो कंप्यूटर ही हैंग हो गया। खैर छोड़िए, आप फोटो दीजिए। फोटो? वो नट्टू काका ने फोन किया था कि आपको कोई फोटो बड़ी करवानी है। वो फोटो लेकिन अभी नहीं है कुमार भाई। क्या हुआ, वो फोटो मैंने पर्स में रखी थी तो अभी आते आते रास्ते में किसी ने मेरा पर्स मार लिया। तो दूसरी फोटो नहीं है? एक ही थी। आज का दिन ही खराब है, वहाँ ग्राहकी छोड़ करके आपके पास आया तो यहाँ भी काम नहीं। ठीक है, फोटो मिल जाएगी तो भिजवा दीजिए।
नटू काका मैं भी आता हूँ। सेठ जी कहाँ जा रहे हैं? जिस जगह वो पॉकेट मार ने मेरा पॉकेट मारा वहाँ जा रहा हूँ। अरे हाँ सेठ जी, वो पॉकेट मार अब तक वहीं खड़ा होगा, आपका इंतजार करता होगा कि कब सेठ जी आए और कब मैं उन्हें पॉकेट दे दूँ। क्या सेठ जी आप भी तो क्या करो नटू काका, बापू जी को क्या जवाब दूंगा मैं? अरे जवाब छोड़ो, मैं बापू जी से आंख भी नहीं मिला पाऊंगा। ये क्या कर दिया जेठालाल, क्या कर दिया तुमने? आज तक मेरे जीवन में जितनी भी मुसीबतें आई वो सब मसाल की ज्वाला जैसी थी, लेकिन यह मुसीबत कोई ज्वाला नहीं, डायरेक्ट ज्वालामुखी बन के आई है। क्या करूं? फायर ब्रिगेडियर। फायर ब्रिगेडियर? एक मिनट। हाँ बस उसी फाइल पे काम कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से 2-1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। हाँ जैसे ही कंप्लीट होती है मैं आपको भेजता हूँ, आप देख लीजिए प्लीज। या थैंक यू जेठालाल। हाँ भाई जेठालाल क्या हो गया? मैं तो साहब बर्बाद हो गया हूँ मैं। अब क्या हो गया जेठालाल? आप जल्दी से जल्दी मेरी दुकान पे आ जाइए। जेठालाल ऐसे कैसे जल्दी से जल्दी दुकान पे आ जाइए, मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ जेठालाल, और यहाँ मेरे ऊपर भी मेरे अधिकारी हैं, मैं बॉस नहीं हूँ यहाँ पे, मुझे बहुत काम है जेठालाल, मैं नहीं आ सकता। पहले ये बताओ ना हुआ क्या है? अरे मेहता साहब किसी बेरहम पॉकेट मार ने मेरा पॉकेट मार लिया। ओहो, जेब कट गई तुम्हारी, पर क्या कर सकते हैं जेठालाल, मुंबई जैसे भीड़ भरे शहर में घूमने वाले लोगों के लिए तो ये आम बात है। ये आम बात नहीं है मेहता साहब। मेरे दादाजी की वो एक ही फोटो थी, अभी घर जाऊं कैसे, बाबूल से नजरे मिलाऊं कैसे? मैं तो साहब बाबू जी की मैं डांट खा सकता हूं, लेकिन उनको किस मुंह से बताऊं कि दादाजी की फोटो मुझसे गुम हो गई है। बात तो तुम्हारी ठीक है जेठालाल, लेकिन जैसा तुमने बताया कि परसों तो तुम्हारे दादाजी की जन्मतिथि है, तो फोटो तो तुम्हें चाहिए ही चाहिए। मैं साहब मेरा तो दिमाग काम करना बंद हो गया, अभी आप ही अपना दिमाग चलाइए और कुछ रास्ता निकालिए। जेठालाल काम भी इम्पोर्टेंट है तुम्हारा और प्रॉब्लम भी बड़ा है, मुझे लगता है मुझे ऑफिस छोड़ के आना ही पड़ेगा। प्लीज चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो पुलिस कंप्लेन करते हैं। ठीक है तो तुम एक काम करो, तुम गांधी चौक पे पहुंचो, मैं भी वही तुम्हें मिलता हूँ, वहाँ से पुलिस स्टेशन चलते हैं। हाँ ठीक है, तो मैं गांधी चौक पहुँचता हूँ। हाँ मैं आता हूँ जल्दी। नटू काका मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ कंप्लेन करने के लिए। सेठ जी मैं कहता हूँ बाघा को बुला लो, पुलिस स्टेशन में उसकी जरूर कोई ना कोई पहचान निकलेगी। आप दुकान संभाल लो। सेठ जी आप बौखला गए हैं, आपने मेरी बात सुनी नहीं, मैं कहता हूँ बाघा को बुला लो, उसकी पुलिस स्टेशन में जरूर कोई ना कोई पहचान निकलेगी। मैंने सब सुना, मुझे बाघा को नहीं बुलाना, आप दुकान संभालो। बाघा सच ही कहता है, जैसी जिसकी सोच। बॉस से बहाना बनाना पड़ेगा निकलने के लिए। हाँ बॉस, तारक मेहता। बॉस मैं ये कह रहा था कि मेरा बैंक में कोई चेक आया है और मेरे साइन की कुछ प्रॉब्लम है, मैं अगर नहीं पहुंचा तो रिटर्न हो जाएगा चेक। बस आधे घंटे का काम है, 10 मिनट में आया। नहीं सॉरी, मतलब 10 मिनट का काम है, आधे घंटे में आता हूँ। हाँ बॉस बस थैंक यू। बिना सोचे समझे तुम चोरी करते हो, इधर दूसरे की जिंदगी में भूचाल आ जाता है। करेगा चोरी, चोरी करेगा, इनका माल दे वापस। अभी कभी चोरी नहीं करेगा, निकलो निकलो आप निकलो। थैंक यू भाई। हाइट अच्छा है। मैंने तुम्हारा कुछ चुराया है? नहीं। तुम्हारा कुछ नुकसान करा है? नहीं। फिर तूने मुझे मारा क्यों? मैं क्या रेस्टोरेंट में टंगा हुआ नैपकिन हूँ जो कोई भी आया और हाथ पोंछ के चला गया? सॉरी। सॉरी तो बोला भाई। Yes.
कल क्या हुआ, पेट में दर्द है? मेरी किस्मत में दर्द है। ओहो, मतलब प्रॉब्लम पेट में नहीं, तुम्हारे फेट में ही है। क्या क्या किस्मत का क्या कर रहे थे तुम? एक जज फैन होता ना, एक जज फैन, वो कैसे चारों ओर से हवा अपनी ओर खींचता है, वैसे मेरी कुंडली चारों ओर से मुसीबतें अपनी ओर खींचती है। कभी कभी तो लगता है कि मैं चुंबक और मुसीबतें लोहा। ज्यादा दिन नहीं है, लोह पुरुष बन जाओगे। किधर थे आप, कितना टाइम लगा आते आते? यार हद करते हो जेठालाल, तुम्हारी वजह से बहाना बना के ऑफिस से निकला हूँ, बीच ऑफिस से निकल के आ रहा हूँ और तुम होके चिल्ला रहे हो मुझ पे। सॉरी। अच्छा मुझे एक बात बताओ जेठालाल, कोई तुम्हारी जेब काट रहा हो, पर्स निकाल रहा हो जेब में से, और तुम्हें एहसास तक नहीं हुआ, पता ही नहीं चला? ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं मेहता साहब आप? अगर मुझे जरा भी पता चलता कि हमारा पर्स मार रहा है तो मैं उसे पर्स मारने देता, उल्टा मैं उसे मारता। नहीं, मारता नहीं, मैं उसे दया की तरह श्राप देता दूर से कि भगवान करे वो जब भी जेब काटने जाए तो पॉकेट नहीं रॉकेट मिले। चले पुलिस स्टेशन चले। चलो चलो। मेहता साहब मेरा पर्स मिलना बहुत जरूरी है, पुलिस को प्लीज मेरा प्रॉब्लम समझाना और बोलना किसी भी तरह मेरा पर्स ढूंढ निकाले, अगर जरूरत पड़ी तो इंग्लिश में वापरना, जितनी भाषा आती सब में समझा दे। बोल। हवलदार साहब, मेरा पड़ोसी मुझे बहुत परेशान कर रहा है, रात के 2 बजे तक उसकी टीवी की आवाज बहुत बड़ी करता है, उसका टीवी जब्त कर लो। क्या नाम बताया तुमने? हमें कंप्लेंट लिखवानी है हवलदार साहब। एक मिनट, इनकी कंप्लेंट लिख रहा हूँ ना। अरे लेकिन मेरी बहुत बड़ी कंप्लेंट है। क्या हुआ, मारा मारी हुआ, मर्डर हुआ, बम फटा? अरे मेरा पर्स चोरी हो गया है, आप जल्दी से जल्दी सभी पॉकेट मारो को पकड़ लो। सभी? हाँ, उसमें से मैं तुरंत सिलेक्ट कर लूंगा किसने मेरा पॉकेट मारा है। अच्छा, यानी तुमने उसको देखा? हाँ देखा है ना। तो तभी क्यों नहीं पकड़ा? नहीं, वो जब भी मेरा पॉकेट मार रहा था तभी मैंने उसे नहीं देखा, जब उसने मेरा पॉकेट मार लिया बाद में मैंने उसको देखा। तो तब क्यों नहीं पकड़ा? तभी मुझे मालूम नहीं था ना कि यही वो आदमी है जिसने मेरा पॉकेट मारा है। तो अब कैसे पता चला? वो बाकड़े पे जाके आराम से बैठो, सोचो, जब तुम्हारा नंबर आएगा तब मैं बुलाऊंगा। अभी कौन सा नंबर का टोकन चालू है? जेठालाल चलो, क्या कर रहे हो यार? अमन भक्त चालू पांडे, झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे टंटे, याद है ना? हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे टंटे। फिर से कार चोरी का धंधा चालू कर दिया? अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको तो पता है ना पिछली बार कार चोरी का इल्जाम झूठा लगा था हम लोगों पे, और बाद में असली कार चोर तो पकड़ लिया था ना आपने। हाँ जानता हूँ, जेठालाल चंपकलाल गड़ा। नहीं नहीं, वो तो मैं हूँ। मेरे कौन है? मैं तारक मेहता। आप तो लिखते हो ना? जी लेखक हूँ। फिर आज यहाँ पुलिस स्टेशन में कैसे? वो पुलिस कंप्लेन लिखवानी थी। कंप्लेन से याद आया, अरे एक लेखक को ही ऐसा सूझ सकता है भाई। ए पाटिल, वो टीवी वाले को फोन कर और बोल कि मेरा टीवी बिगड़ा है और आगे टीवी ठीक करे। हाँ साहब। टीवी बिगड़ता है ना तो क्या होता है कि बीवी भी बिगड़ जाती है, वो एसी वाले रूम में सोने देती नहीं है, वो हॉल में सुलाती है, फिर पंखा चलता है, बहुत गर्मी, बहुत तकलीफ होती है। हाँ बोलो, फिर कंप्लेंट क्या तुम लोगों का? कमीने चोर। पुलिस स्टेशन में गाली देता है। सॉरी, तो बाहर चले। एक शरीफ चोर है, गाली नहीं, एक शरीफ चोर ने पाउडर गली के नाके पे इनका पर्स मार लिया। हाँ ठीक है, उसका FIR वहाँ लिखा दो। चलो। नहीं ठीक नहीं है इंस्पेक्टर साहब, मेरा पर्स कोई मामूली पर्स नहीं था। क्यों? वो पर्स में कोहिनूर हीरे जड़े हुए थे? नहीं, उसमें खास फोटो थी। गर्लफ्रेंड की थी क्या? अरे नहीं, मेरे परम पूज्य दादाजी की। अच्छा, उठा ले चल। हेलो, टप्पू के पापा आपने फोन काट क्यों दिया? मैं बिजी हूँ, बाद में फोन करता हूँ। अच्छा सुनिए सुनिए, बहुत जरूरी बात करनी है। क्या है बोल? ये नहीं बोलेगा ना तो मारना इसको डंडे। कौन डंडे मारने की बात कर रहा है? टप्पू के पापा आप कहाँ हो? पुलिस स्टेशन में।
अब मजाक कर रहे हो ना? टीवी चालू है ना? हाँ चालू है, चालू है। ए, मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये तो वाइफ का फोन है। ओ, सुबह घर पर टीवी बिगड़ गया था ना, तो अभी टीवी चालू हो गया, तो वो बोल रही है चालू हो गया। टीवी चालू हो गया? हाँ चालू हो गया। चलो अच्छा है यार, टीवी चालू हो गया तो मेरी वाइफ तेरे को क्यों फोन कर रही है? नहीं ये तो मेरी वाइफ है। टीवी किसका है? मेरा। अच्छा यानी मेरा टीवी बिगड़ा ही है। बंद 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 है वो। अरे भाई पार्टी लो, टीवी वाले को फोन करना। हाँ साहब। हेलो दया, बोलने भाई तूने फोन क्यों किया? हाँ वो बहुत जरूरी बात यह है कि मेरी माँ से बात हुई। तो मैंने कहा कि दादाजी की 100वीं जन्म जयंती है ना, तो वो जो चांदी की फ्रेम है ना, तो उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ाना। पहले फोटो तो मिलने दे। मतलब कुमार भाई से फोटो बड़ा होकर मिलने दे, फिर ये सब बातें करेंगे। हा? चलो फोन रखो अभी। हाँ हाँ ठीक है। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, क्या कि वो पर्स में जो दादाजी का फोटो है ना, मुझे सिर्फ वो चाहिए। वैसे वो चाहे तो आप रख लीजिए। पुलिस को टिप देता है। गिफ्ट 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 दे रहा हूँ। आपका टीवी बिगड़ गया ना, तो मैं आपको 32 इंच का LCD मैं आपको गिफ्ट करूंगा। पुलिस को ये रिश्वत देता है। जेठालाल क्या बकवास कर रहे हो तुम? इंस्पेक्टर साहब जेठालाल की बात का बुरा मत मानिए, असल में दादाजी की एक ही तस्वीर है और वो खो गई है, इसलिए परेशान है। परेशानी समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। प्लीज प्लीज मेरा दर्द समझिए, सोचिए अगर आपका दादाजी की एक ही फोटो और अगर वो खो जाए तो मैं दूसरा खिंचवा लूंगा। कैसे? मेरे दादाजी जिंदा है। आपके पर दादाजी जिंदा है? नहीं वो नहीं रहे। तो मान लीजिए आपके पर दादाजी की आखिरी फोटो और अगर वो गुम हो जाए तो? उनके मेरे पास 40-50 फोटो है, उनको फोटो खिंचवाने का बड़ा शौक। और खबरदार, मेरे दादा पर दादा के फोटो घुमाने का अभियान यहाँ चालू किया ना तो पड़ेगा डंडे। सॉरी सॉरी इंस्पेक्टर साहब, आप तो फिर से बुरा मान रहे हैं। असल में जेठालाल बहुत परेशान इसलिए है कि इनके दादाजी की परसों 100वीं जन्म जयंती और एक ही फोटो है, उस दिन फोटो की बहुत जरूरत है, इसलिए बहुत परेशान है। आप उस पॉकेट मार को प्लीज ढूंढ दीजिए ताकि हमें हमारी फोटो मिल जाए। उस आदमी को देख रहे, उस आदमी के दादाजी का आज 100वां जन्मदिवस है, दादाजी का फोटो नहीं गुम हुआ, उसके दादाजी लाइव गुम गए। अब बताओ उसके लाइव दादाजी को ढूंढूं कि तुम्हारे दादाजी का फोटो ढूंढूं? लाइव दादाजी, आई मीन ऑब्वियसली दादाजी को। अरे क्या दादाजी को? नहीं नहीं, मेरे दादाजी के फोटो को। दोनों को। और इंस्पेक्टर साहब, उनके दादाजी मिल जाए तो उनको मेरी तरफ से एक बात बोलना कि दादाजी की 5-6 फोटो खींच के रखना प्लीज। हो गया बोल के? और कुछ नहीं, FIR लिखवाना है ना? हाँ। वो जगह खाली हो गया, जाके लिखवा दे। जी जी जी। जेठालाल चंपकलाल गड्ढा। जेठालाल ऑफिस निकलता हूँ मैं। मतलब सर एक दो मिनट जरा सर घूम रहे, क्या चाय पी ले? चलो फिर निकलो आप। भैया जरा दो चाय देना, मसालेदार कड़क देना भाई। मैं तो साहब पुलिस में कंप्लेंट तो की है, क्या लगता है पर्स मिल जाएगा ना? देखो उम्मीद कर सकते हैं जेठा, पुलिस के पास इतने बड़े बड़े केसेस आते हैं, उन केसेस के बीच में छोटा पॉकेट मार मिल जाए ये तो भाग्य की बात है। मतलब नहीं मिलेगा? नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मिल भी सकता है। अगर नहीं मिला तो मेरी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त होगा। सबसे बुरा वक्त तो मेरा चल रहा है साहब, इस उम्र में बड़ी मुश्किल से मेरी शादी तय हुई है, गांव जाना है, लेकिन देखो ट्रेन की टिकट ही नहीं मिल रही है। अब बताओ इससे बुरा वक्त और क्या होगा? अरे भाई तू तो बाद में भी शादी कर सकता है, यहाँ दादाजी की फोटो नहीं मिली तो उनकी 100वीं जन्म तिथि दोबारा थोड़ी आएगी। क्या आपने अपने दादाजी की फोटो ही घुमा दी? क्या साहब, फोटो तो संभाल के रखनी चाहिए ना। अब देखो मैंने मेरे दादाजी की फोटो को कैसे संभाल के फ्रेम करके रखी है। दादाजी धोख दे। अरे दादाजी की फोटो को भाई तो अपना काम करना है,
अरे भाई तुमसे किसी ने सलाह मांगी है क्या? तुम अपना काम करो ना यार। यहाँ अपने ही दुख दर्द इतने हैं कि दूसरों का दर्द सुनने में किसको इंटरेस्ट है? मतलब आपको मेरा दर्द में इंटरेस्ट नहीं है? नहीं नहीं जेठालाल, मैं तुम्हारी और मेरी बात नहीं कर रहा हूँ। तुम तो मेरे परम मित्र हो, तुम्हें कैसे इंटरेस्ट नहीं होगा? अरे जब तक तुम्हारा दुख दूर नहीं हो जाता, मेरा किसी काम में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ बॉस। नहीं नहीं बॉस, बैंक का काम हो गया, निकल गया, ऑन द वे हूँ, बस पहुंच रहा हूँ। हाँ जेठालाल मैं चलता हूँ। अरे अभी तो आपने बोला जब तक मेरा दुख दर्द दूर नहीं होता आपको किसी काम में इंटरेस्ट नहीं है। तो ऑफिस के काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जाना पड़ेगा जेठालाल। आधे घंटे का बोल के आया था, एक घंटा ऑलरेडी हो गया है। अब और लेट हुआ ना तो बॉस चार बात सुनाएगा। भाई आधा घंटा या एक घंटा बॉस तो सुनाएगा ही। लेकिन मैं आपसे दो बातें करता हूँ तो मुझे जरा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है मेरा टेंशन थोड़ा कम हुआ। लेकिन मेरा टेंशन बढ़ जाएगा अगर मैं अभी नहीं गया तो। जाना बहुत जरूरी है जेठालाल। बॉस है यार। तो शाम को सोडा सब पे मिलते हैं? अरे यार शाम को नहीं मिल पाऊंगा क्योंकि मेरे को अंजलि के साथ पिक्चर जाना है। अंजलि कौन? अरे अंजलि भाभी। अच्छा अच्छा, लेकिन आज ही क्यों जाना है? क्योंकि अंजलि ने आज ही की पिक्चर का टिकट बुक कराया है। नहीं नहीं आज 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 मत जाओ। मैं साहब आपको मेरी हालत तो पता है, आपकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। आप मेरा फायर ब्रिगेड हो, देखो फायर ब्रिगेड को 24 घंटे चालू रहना पड़ता है। आज मत जाओ, आज कंसल करो। नहीं वो सब ठीक है जेठालाल, आज तुम बॉस से ऑफिस में तो डांट पड़वाओगे, घर पे अंजलि की भी डांट खानी पड़ेगी। हाँ तो आज डांट खा लो, बाद में उनको हकीकत पता चलेगी तो समझ जाएंगे। नहीं आज पिक्चर जाना कैंसिल। अरे थैंक यू। अरे रिक्शा। देखो उम्मीद कर सकते हैं जेठालाल, पुलिस के पास इतने बड़े बड़े केसेस आते हैं, तो उन केसेस के बीच में ये छोटा पॉकेट मार मिल जाए ये तो भाग्य की बात है। हे भगवान, कहीं सच में पर्स नहीं मिला तो बापू जी का मैं क्या जवाब दूंगा? कैसे कहां से दादाजी की फोटो लाऊं? ये क्या हो गया भगवान? बस खत्म, आज से पर्स रखना ही बंद। आज से मैं पर्स का त्याग करता हूँ। अरे सेठ जी, ये क्या, आप यहाँ क्यों बैठ गए? चलिए जल्दी अंदर चलिए। आता हूँ। अरे आता हूँ क्या सेठ जी, आप इस तरह यहाँ बैठे रहेंगे तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैंने आपको दुकान से बाहर निकाल दिया? सेठ जी पुलिस कंप्लेन कर दी? की तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता पर्स मिलेगा। काश दादाजी जिंदा होते तो मैं उनकी एक और फोटो खींच लेता। सेठ जी दादाजी जिंदा होते तो दूसरे फोटो की जरूरत ही नहीं पड़ती, दादाजी खुद अपने जन्मदिन पर हाजिर हो जाते। हाँ वो भी है, और तभी मैं उनकी 100 फोटो खींच लेता। सेठ जी दादाजी की और कोई फोटो नहीं है? एक ही फोटो थी, वो भी खो गई। सेठ जी आपकी शादी के एल्बम में तो दादाजी की फोटो होगी ना? मेरी शादी में दादाजी नहीं थे। तो गांव में तो किसी न किसी की शादी में दादाजी गए होंगे, उनमें से किसी के पास से दादाजी की फोटो नहीं मिल सकती? अरे हाँ नटू काका, ये आइडिया अच्छा है, ये मुझे पहले क्यों नहीं सोचा? गांव में जरूर किसी न किसी के पास तो फोटो होगी दादाजी की। मैं नाथा काका को फोन करता हूँ। हेलो। हाँ नाथा काका, जेठालाल बोल रहा हूँ। अरे जेठा क्यों करो तो? बस मजे में। और चंपा पूरा करे तो? बाबूजी भी मजे में। दया माऊ, दया टप्पू सब मजे में। विला गोकुल तमासी, पूरा पूरा एरिया मजे में है। हा? अच्छा नाथा काका बोल बोल विला, आज मेरी याद कैसे आई? वो दादाजी की वजह से है? मतलब मैं ये पूछ रहा था आपके पास मेरा दादाजी की कोई फोटो होगी? अरे बेटा तेरे दादाजी की फोटो की तो बात ही मत कर। अरे वेला मस्ती मस्ती में एक बार मैंने तेरे दादाजी की फोटो छुपाने की जरूरत की थी तो तेरे बाप चंपक ने मुझे पेड़ से उल्टा लटका कर नीचे मिर्ची का धुआं किया था वेला। हाँ वो पता है मुझे। अच्छा आपको याद है गांव में
किसी के शादी ब्याह में दादाजी गए हो तो उनके पास दादाजी की कोई फोटो हो? याद करना पड़ेगा, दो चार दिन में सोच के बताता हूँ वेला, भले? नहीं, दो चार दिन नहीं, मुझे अभी बताइए। मैं याद करूँगा तो तेरे फोन का बिल बढ़ेगा वेला। अरे उसकी फिक्र मत कीजिए, भले बढ़े, आप याद कीजिए। हाँ याद आया। हाँ। वेला, तेरे दादाजी की तस्वीर एक आदमी के पास मिल सकती है। किसके किसके पास? विलियम। नहीं नहीं नहीं, विलियम, डॉक्टर विलियम, उसके पास मिलेगी तेरे दादाजी की तस्वीर वेला। अच्छा, उसका एड्रेस है आपके पास? इंग्लैंड में रहता है, वहाँ जाके किसी को भी पूछ लेना। अरे अब तो वो भी 95 साल का हो गया होगा वेला। अच्छा, नहीं नहीं, गांव में किसी और के पास होगी दादाजी की फोटो? मैं दो चार लोगों को पूछ कर घर में चंपक को बताता हूँ। नहीं नहीं, बापूजी को मत बताना। क्यों? वो क्या कि मैं बापूजी को सरप्राइज देना चाहता हूँ ना, तो बापूजी को प्लीज मत बताना। आप एक काम कीजिए, गांव में पूछ कर रखिए, मैं ही आपको बाद में फोन करता हूँ। भले वेला। ओके, नाथा काका पूछ रहे गांव में, लेकिन उन्होंने जिसको पूछा उसने बापूजी को फोन कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। सेठ जी, एक काम कीजिए, आप खुद ही बचाओ चले जाइए। लेकिन मैं अगर गया भी तो आज क्या, तो वापस नहीं आ पाऊंगा, तो फिर रात को बापूजी तो दया को पूछेंगे जेठिया का है, तो फिर तो मैं चला जाऊं। फोटो परसों ही चाहिए, और आप जाएंगे तो कोई फास्ट आदमी चाहिए। सेठ जी, अहमदाबाद से सुंदर भाई, वो मुसीबत कम करने की जगह पे मुसीबत बढ़ाने वालों में से। सुंदर बोले टोपीबाज है, पर है उस्ताद, वो कोई भी काम कर सकता है, घास के ढेर में से सुई भी ढूंढ सकता है, बस उसे थोड़ा विश्वास में लेना पड़ेगा, और बचा अहमदाबाद से नजदीक भी पड़ेगा। अच्छा आइडिया दिया, सुंदर बुरा नहीं है, सुंदर को बोलता हूँ। बक्का अभी तक क्यों नहीं आया? अरे माय डियर जीजा जी का फोन, अरे आज सूरत किस तरफ निकला है? हेलो हेलो, माय डियर साले साहब, सुंदर लाल जी कैसे हैं? बोलो क्या काम है? काम? हाँ, बिना काम के तो आप फोन करोगे ही नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है सुंदर। अरे तुझे गलत फहमी है, आज मैंने एकदम ऐसे ही फोन किया। अच्छा, तो आपने ऐसे ही फोन किया? चल अभी तू इतना फोर्स कर ही रहा है तो मैं छोटा सा काम तुझे देता हूँ। अच्छा, क्योंकि ये काम ऐसा है जो सिर्फ तू ही कर सकता है। अच्छा माय डियर जीजा जी, तो आज आपको पता चला कि जो काम किसी से नहीं होता है वो सुंदर से होता है। अरे भाई, आज क्या हो तो मुझे पहले से ही पता है। चल अभी काम की बात सुन, उसके पहले एक और काम की बात सुन। जो काम मैं तुझे सौंपने जा रहा हूँ वो प्लीज तो दया को मत बताना। तो मुझे भी मत बताना, क्योंकि मैं माय डियर बहना और माँ से कोई बात नहीं छिपाता हूँ। चल चल अबे, अभी होली वाले दिन वो झोरा वर्ष तूने पैसे लिए थे, वो बात तो तूने माँ और दया दोनों से आखिर तक छुपा कर रखी थी, रखी थी कि नहीं? पर वो तो अच्छे काम के लिए। हाँ तो मेरा काम भी अच्छा वाला ही है भाई, कोई दो नंबर वाला काम नहीं है। और एक बार काम हो जाए फिर तू माँ और दया को क्या पूरी पोड़ को बता देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी तू प्लीज दया को मत बताना, हाँ रिक्वेस्ट है। देख सुंदर, आज तक मैंने तुझसे मन की शांति के अलावा कभी कुछ मांगा है नहीं ना, तो इतना एक दे दे प्लीज, रिक्वेस्ट। देख तुझे मेरी कसम, नहीं नहीं तुझे तेरी बहन की कसम। इसका भरोसा नहीं भाई, हैं? मम्मी नहीं बोला क्या? रिक्वेस्ट भाई, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सुंदर। पहले काम बोलो, फिर मैं तय करूंगा कि बताना है कि नहीं बताना है। अरे भाई, मैं तुझे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तू रिक्वेस्ट का मतलब नहीं समझता है? एक आदमी रिक्वेस्ट कभी करता है? जब एकदम मजबूर होता है तभी ना। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई। ठीक है, नहीं बताऊंगा, पर मेरा ये एहसान याद रखना। अरे याद रखूंगा भाई। अच्छा सुन, तुझे अभी कभी फटाफट मेरा गाँव बचाओ जाना है। बचाओ? माय डियर जीजा जी, बचाओ क्यों भेज रहे हो?
मकाऊ भेजो ना। देख तू मेरा ये काम कर देगा तो मैं तुझे जरूर भेजूंगा पकाओ। मकाऊ मकाऊ भी भेजूंगा। अच्छा सुन, समझ गया? जीजा जी आप हमेशा गड़बड़ करते हो, एक पर्स नहीं संभाल सकते आप। अरे भाई ताने तो बाद में मरना, अभी फटाफट बच्चा हो जा और मेरे दादाजी की फोटो ढूंढ प्लीज। और सुन सुन सुन, तू वहाँ गांव में जाकर दादाजी की फोटो इस तरह ढूंढना कि किसी को सच का पता ना चले। ठीक है माय डियर जीजा जी। और तू चिंता मत करना, तेरा जो भी खर्चा होगा वो मैं दे दूंगा। अरे वो तो देना ही पड़ेगा जीजा जी। आप एक काम करो, मेरी अहमदाबाद टू मुंबई और मुंबई टू भुज की फ्लाइट बुक करा दो। मुंबई? तुझे मुंबई क्यों आना है? अहमदाबाद भुज की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है ना माय डियर जीजा जी? अरे तो वहीं से फर्स्ट क्लास लग्जरी एसी बस में बैठ जा, फटाफट पहुंच जाएगा। जीजा जी पहली बात तो ये है कि मैं बस से जाता ही नहीं हूँ, और बस में मैं जाऊंगा तो 10-12 घंटे लग जाएंगे, और फ्लाइट से मैं गया तो 4-5 घंटे में तो मैं पहुंच जाऊंगा। अरे ऐसी बातों में कंजूसी नहीं करते हैं माय डियर जीजा जी। अरे कंजूसी की बात नहीं है भाई, मान ले तेरी अहमदाबाद की फ्लाइट जो है वो यहाँ लेट हो गई और यहाँ से भुज की फ्लाइट निकल गई, तो भुज की तो एक ही फ्लाइट है, फिर मुंबई से बचा आज के हाथ पहुंचा तो नामुमकिन हो जाएगा ना। तू एक एसी फर्स्ट क्लास गाड़ी कर फर्स्ट वाली और फटाफट अभी निकल के पहुंच जा बचाओ। ठीक है जीजा जी, चलो बचाओ। सुंदर जा रहा है, अभी बचाओ, वहां जाके बस कोई गड़बड़ ना करे तो अच्छा है। एक मेहता साहब को छोड़ के बाकी सब गड़बड़ करने वालों में से है, मेहता साहब को भी बोल दू कि गड़बड़ ना करे। हाँ कहो जेठालाल, पर्स मिल गया? अरे पर्स मिलता तो आपको फोन थोड़ी करता। मतलब सीधा आपके पास मिठाई लेके पहुंच जाता। अच्छा सुनो, मैंने फोन इसलिए किया कि प्लीज आज कोई गड़बड़ मत करना, हो पिक्चर देखने जाना मत है भाई। जेठालाल कितनी बार कहूँ कि नहीं जाऊंगा, बोला ना तुम्हें नहीं जाऊंगा। ऑफिस में बॉस की डांट तो खा ही चुका हूँ, अब घर पे अंजलि की डांट भी खा लूंगा आज। बढ़िया बढ़िया, खा लो खा लो। तो रात को मिलते सोडा शॉप पे, ओके? हाँ ओके। पता नहीं रात को घर जाऊंगा तब क्या होगा। अभी कुछ काम धंधा करना है क्या? नहीं कैसी है? पिक्चर के लिए मैं ये ड्रेस पहनने वाली। सॉरी। अरे पसंद नहीं आई? कोई बात नहीं, एक मिनट में चेंज करके आती हूँ। सॉरी अंजलि, हम फिल्म देखने नहीं जा रहे हैं। क्यों? अचानक कुछ काम याद आ गया? कुछ लिखना है? नहीं नहीं। तो फिर क्या हुआ तारक, हम पिक्चर देखने क्यों नहीं जाएंगे? तारक आपको पता है मैंने टिकट्स बुक कर दिए हैं, बहुत मुश्किल से टिकट मिले हैं। अंजलि, अंजलि को हकीकत बताऊंगा और उसने इमोशन में दया भाभी को कह दिया तो जेठालाल की तो और बैंड बज जाएगी। तारक क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं नहीं अंजलि, ऐसी कोई बात नहीं, असल में आज फिल्म देखने का मूड नहीं है बस। क्या आपका मूड नहीं है और इसलिए हम पिक्चर नहीं जाएंगे? तारक आप जब भी कहते हो, जहाँ कहते हो, जिस वक्त कहते हो, मैं हमेशा आपके साथ चलती हूँ, आपकी हर बात मानती हूँ, और एक दिन मुझे पिक्चर जाने का मन हुआ तो आपका मूड नहीं है? अरे अंजलि समझने की कोशिश करो ना, हम कल देख सकते हैं फिल्म, कल देख लेंगे। अरे हाँ, मैं भी कितनी बुद्धू हूँ ना तारक, समझती नहीं हूँ कि पिक्चर कौन सी छूटी जा रही है, एक गई तो दूसरी आ जाएगी। हम कल पिक्चर देखने जाएंगे, बल्कि मैं तो कह रही हूँ तारक हम पिक्चर देखने अब जाएंगे ही नहीं। अंजलि टेबल पर खाना पड़ा है, आप खा लीजिएगा। लेकिन अंजलि। तारक बस। अरे पर अंजलि सुनो तो, अंजलि अंजलि यार, दफ्तर में बॉस की डांट खाई पर घर में अंजलि भी नाराज हो गई, कैसा दिन बीत रहा है यार आज, पता नहीं जेठालाल के साथ क्या हो रहा होगा। सेठ जी दुकान बढ़ाने का समय हो गया, घर नहीं जाना है? घर जाने के लिए कदम ही नहीं उठ रहे नटू काका।
मुझे बापूजी का चेहरा सामने दिख रहा है। नहीं, नहीं। मैं बापूजी के सामने घर नहीं जा पाऊंगा। तो क्या आप रात भर यही दुकान में रहेंगे? नहीं नहीं, एक दो घंटा रुकता हूँ, थोड़ा लेट जाऊंगा, तब तक बापूजी सो जाएंगे। तो ठीक है, मैं भी आपके साथ रहता हूँ, हम साथ में जाएंगे। अरे नहीं नहीं, आप निकलो नटू काका। नहीं सेठ जी, मैं आपको यहाँ अकेले नहीं रहने दूंगा, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। भले आप मेरी पगार न बढ़ाओ, मगर मैंने आपका नमक खाया है, मैं आपके साथ यहीं रहूंगा। अरे भाई, आपका पद्मावती भोजनालय बंद हो जाएगा, आप निकलो। हाँ तो सेठ जी, मैं एक काम करता हूँ, पद्मावती भोजनालय से खाना यही मंगवा लेता हूँ, आपका भी मंगवा लेता हूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना। क्या नहीं? नहीं सेठ जी, सवेरे से टेंशन के मारे आपने कुछ नहीं खाया, थोड़ा अन्न पेट में जाएगा तो दुखों के सामने लड़ने की शक्ति मिलेगी। हेलो पद्मावती, नटू काका। बापूजी, क्या हुआ? अरे बहू, ये जेठे अभी तक नहीं है। मुझे लगता है कि दादाजी के फोटो फ्रेम करवाने में देर हो गई होगी। हाँ बहू, मैं भी बापूजी की बड़ी फोटो देखने के लिए बहुत बेचैन हूँ। मैं टप्पू के पापा को फोन करती हूँ। हाँ। रहने दो बहू, जेठा अभी आता ही होगा, मैं टप्पू के पास जाके बैठता हूँ। ठीक। ये रोटी लीजिए नटू काका। सेठ जी आप भी लीजिए। मैं लेता हूँ, आप लीजिए तो से। अच्छा। अरे दया का फोन है, बेचारी कितनी चिंता करती है मेरी, जरूर खाने के लिए फोन किया होगा। हाँ दया, सॉरी मैं तुझे बोलना भूल गया, मैं आज घर पे खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? वो दुकान में आज काम इतना है कि खाना इधर ही मंगवा लिया है, तो मैं और नटू काका अभी साथ में बैठ के खा ही रहे हैं। ले, तो आप लेट आएंगे? हाँ, देर हो जाएगी, तो तुम लोग खाना खा लो। हाँ ठीक है। देखिए मैंने ये पूछने के लिए फोन किया कि दादाजी की वो फ्रेम कैसी बनी है। क्या पता है? मतलब वो कुमार भाई ने क्या पैक पुक करके भेजी है ना फ्रेम, तो मैंने खोल के देखा नहीं है, वो काम में बिजी था ना इसके लिए। हाँ। सेठ जी चपाती लीजिए ना। मैं ले रहा हूँ, आप लीजिए। आप टप्पू के पापा, दादाजी के फोटो के लिए चंदन हार लेना भूलना मत। तू चिंता मत करो, तो बाद में मंगवा लेंगे। अच्छा सुन, तुम लोग खाना खा लो और बापूजी खाना खा लो, तो बोलना सो जाए। तुम सब सो जाना। हाँ मुझे तो नींद नहीं आएगी। मुझे भी है? तुझे नींद क्यों नहीं आएगी? आप जब तक घर में नहीं आओगे तब तक मुझे नींद कैसे आएगी? हाँ मैं जल्दी आने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बापूजी को बोलना सो जाए। ठीक है। सेठ जी खाते समय टेंशन मत लीजिए, खाना खाइए, बाद में सोडा मंगवाता हूँ। अरे हाँ, सोडा से याद है, बाद में सोडा शॉप पे मेहता साहब को भी मिलना है। ओ अब्दुल प्रा, अब बहुत दिनों से तुझे एक बात कहने की सोच रहा हूँ, हर बार भूल जाता हूँ, अभी याद है तो फटाफट कह डालता हूँ यार। बोलो। और मैं क्या कहता हूँ, और सोडे के साथ यार वो प्लास्टिक चेयर भी दिया कर। सोडे भाई, अब्दुल पे रहम करो, अगर एक सोडे पे अगर एक चेयर दूंगा तो ये दुकान मुझे किसी को देनी पड़ेगी। अरे यार सोडी, सोडे के साथ मिक्सचर वेफर चना मांगता तो चलता, ये प्लास्टिक चेयर ये कैसी डिमांड है? और वैसे भी हाथी भाई कभी कभी 8-10 सोडा पी जाते, तो 8-10 चेयर इकट्ठा करके रखेंगे को? ओ यारो, और सोडा के साथ चेयर बैठने के लिए, और क्या है ना हम लोग मिलजुल के हमेशा खड़े रहते हैं, तो साथ में अगर चेयर बैठने के लिए मिल जाए तो सोडा पीने का आनंद आ जाए। हाँ सोडी, ये आइडिया तेरा अच्छा है। थैंक यू। क्या भिड़े, क्या आइडिया अच्छा है। सब लोग कुर्सियां जमा के यहीं बैठ के महफिलें लगाने लगे तो आने जाने में कितनी तकलीफ होगी, तो सबसे पहले लोग सोसाइटी के सेक्रेटरी को पकड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है। क्या सोड़ी बुरा आइडिया देता है यार। अरे मैं दादा,
आज आपका वो परम मित्र जयडालाल दिखाई नहीं दे रहा। वो देखो आ रहा है जयडालाल। वो यार कमाल है यार, वो हम जब भी किसी का नाम लेते हैं वो बंदा आ जाता है। अरे भाई अगर ऐसा है तो मेरी होने वाली दुल्हन के बारे में बोलो, शायद वो भी आ जाए। अरे भाई जो है वो आता है, जो है ही नहीं वो कहाँ से आएगी। सही बात है। अरे बहुत लेट हो गया जेठालाल तुम्हें आने में। हाँ भाई और बड़े टेंशन में लग रहे हो। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, टेंशन कुछ नहीं। जेठालाल टेंशन तो है, नहीं तो सोड़े की तरह हमेशा बुड़बुड़ बुड़बुड़ बुड़ करते रहते हो। और एकदम पानी की तरह शांत हो आज। और जेठा ब्रा, ओ हम यारों के यार हैं, कोई टेंशन मेंशन है तो बता दो। नहीं बताना नहीं है तो मत बताओ। अरे नहीं नहीं भिड़े ऐसी बात नहीं है, तुम सब तो मेरा दोस्त हो, लेकिन तुम सबको मुझे प्रॉमिस करना होगा कि ये बात तुम किसी को बताओगे नहीं। जेठालाल भाई बताना है तो बताओ वरना कैंसिल करो। और पप्पू चुप, कुछ भी बोलता है यार। और जेठा ब्रा तुम फिक्र ना करो और खुल के अपनी बात बताओ, हम किसी को भी नहीं दसेंगे। ओ यारो बोलो प्रॉमिस। अभी क्या है कि मैं एकदम धर्म कंसर्ट में फंस गया हूँ, मतलब धर्म संकट में फंस गया हूँ। हुआ यूं कि अरे देवा ये तो बहुत बड़ा धर्म संकट है। मैं एक काम करता हूँ, मैं आज रात को इन पॉकेट मारों के खिलाफ एक जबरदस्त आर्टिकल तूफान एक्सप्रेस में लिखूंगा और पुलिस स्टेशन से लेकर संसद भवन तक सबको हिला दूंगा। जेठा भाई वो दादाजी की आखिरी फोटो थी, वेरी सैड। जेठा भाई वो फोटो का फोटो मोबाइल में खींच के रखना चाहिए था। अरे नहीं नहीं अब्दुल बहुत बढ़िया आइडिया है। हाँ भाई। हाँ थैंक यू। ये मुझे सुझा क्यों नहीं? जेठालाल तुम बुड़बुड़ नहीं तो गड़बड़ तो करते ही हो, इतना सिंपल आइडिया तुमको नहीं सुझा? ये अब्दुल के बोलने से पहले तुमको सुझा था? हाँ? अरे बराबर है कृष्णन भाई, क्या है जब इंसान का नसीब टेढ़ा होता है ना तो इंसान से गलतियां हो ही जाती है। अरे जेठालाल थोड़ा ख्याल रखना चाहिए ना भाई। देखो मैं हमेशा इतना सचेत रहता हूँ कि आज तक किसी ने मेरा पॉकेट नहीं मारा। बोलो। अच्छा कहाँ पॉकेट रखते कहाँ हो तुम? घर पे। बरोबर की नहीं? पोपटलाल हमारे गुजराती में बहुत बड़े शायर थे मरीज साहब, वो कहते हैं औ दशानो एटलो आभार होय छे जे मळे मुझथी समझदार होय छे। वाह जेठा ब्रा। कुछ समझ में नहीं आया पर सुनने में तो बहुत चंगा था यार, एक बार मतलब समझा लोगे ना तो आनंद आ जाएगा। अवदशा मतलब बुरा वक्त, जब इंसान का बुरा वक्त चल रहा होता है ना तो उसे जो भी मिलता है वो खुद को बहुत समझदार समझता है। वाह क्या बात। हाँ बोल दे। टप्पू के पापा अब कहाँ तक पहुँचे? हाँ बस अभी रास्ते में ही हूँ। बापू जी सोके? नहीं जाग रहे हैं, बात करनी है? नहीं नहीं उनका बल के मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी तो सो जाए, और बापू जी सो जाए तो मुझे फोन करना। क्यों? टप्पू के पापा बार बार बापू जी के सोने की बात क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ क्या है? नहीं ओके ये उम्र में बॉडी को जितना आराम मिले उतना अच्छा होता है ना, इसलिए जर्नली बोल रहा हूँ। बापूजी को बोल के सो जाए। एक मिनट आप फोन चालू रखिए, मैं बापूजी को बोलती हूँ। अरे बोल मतलब बोल मत, ऐसा बोल के मैं बस आ ही रहा हूँ, थोड़ी देर हो जाएगी। अब आ रहे हैं तो देर कैसे होगी, और अगर देर हो रही है तो आप आ कैसे रहे हो? एक काम कर बापूजी को रहने दे, तू सो जा।
बापू जी, टप्पू के पापा को तो आने में देर हो जाएगी, तो उन्होंने कहा है कि बापू जी से कहना कि सो जाए। ठीक है बाबू, मैं जाके सो जाता हूँ। बापू जी की फोटो कल सुबह देख लूंगा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेहता साहब, बापू जी अभी तक जाग रहे, घर कैसे जाऊं? ये पॉकेट मारना था, पॉकेट मार के मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ओए जेठा परा, उस पॉकेट मार को पकड़ना। वही तो सुनो कहानी। और जब मैं कॉलेज में पढ़ता था ना, एक पॉकेट मार ने मेरे दोस्त की पॉकेट मार ली। और हम लोगों को पता था कि ये जो पॉकेट मार होते हैं ना, ये वही पॉकेट मार ने फिर से जाते हैं। और हम लोगों ने प्लान बनाया और उस चौराहे पे पहुंच गए जहाँ पे इस पॉकेट मार ने पॉकेट मारी थी। और जब छुपके हम इसका इंतजार कर रहे थे, ये पॉकेट मार छुपके छुपके आया और किसी बंदे की पॉकेट जैसे मारने लगा। हम लोगों ने इस पे दावा बोल के इसको रख लिया। और ऐसे ही हम लोग जेठा परा तुम्हारे इस पॉकेट मार को धर लेंगे। और यारो, और कैसे लगा मेरा प्लान? वाह वाह, जेठालाल ये आइडिया आजमाने जैसा है। हाँ तो चलो चलो, अभी नाके पर जाते हैं। चलो चलो, अभी रात को पॉकेट मार वहाँ थोड़ी मिलेगा जेठालाल। हाँ जेठालाल, पॉकेट मार तभी आते हैं जब भीड़ होती है, लोगों को ऑफिस या घर पहुँचने की जल्दी होती है। पॉकेट मार का धंधा रात को नहीं होता है, दिन में होता है, भीड़ भाड़ गर्दी में। जेठालाल प्लान बहुत बढ़िया है, लेकिन मेरे ख्याल से हम कल सुबह ट्राई करेंगे। जेठालाल, इस प्लान में मैं तुम्हारे साथ। जेठालाल मैं भी तुम्हारे साथ में हूँ। हम सब साथ में यार, हम सारे तुम्हारे साथ हैं। मैं भी आऊंगा। नहीं नहीं अब्दुल, तुम नॉर्मली अपनी दुकान खुली रखना। और हाँ आती भाई, मेरे ख्याल से आप भी घर रहना, क्योंकि अगर एक साथ हम सारे लोग गायब हुए सोसाइटी से तो चाचा जी को खामखा शक हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, आप घर पर ही रहो। हाँ तो भाई, कल सुबह ठीक 10 बजे मिशन पॉकेट मार, और अभी ठीक 11 बजे मिशन घर चलो। सॉरी, गुड नाइट। चलो चलो भाई, चलो चलो, चलो। और चलो मेहता साहब, एक मिनट वो आ रहे हैं। निकलो निकलो, आ रहे हैं। ओके गुड नाइट जी। अरे आप कहाँ जा रहे हो? घर। अरे क्या घर, मुझे कंपनी दो। क्यों? बापूजी अभी तक सोए नहीं है। तो जब तक बापूजी सो नहीं जाते, मैं घर कैसे जा सकता हूँ? यार बापूजी तो हो सकता है 2 बजे तक ना सोए, तो आपको 2 बजे तक रुकना पड़ेगा इधर। जेठालाल अंजलि को फिल्म दिखाने नहीं ले गया, वैसे ही वो नाराज है। अब इतना लेट गया तो घर में नहीं घुसने देगी। अरे भाई अब्दुल, ठंडा सोडा पिला मेहता साहब को। हाँ आओ, बैठो बैठो बैठो। अरे पर, अरे बैठो यार। जेठालाल लो जेठा भाई, आप भी लो। ला भाई, मैंने तो पिया ही नहीं आया तब से। जेठालाल माना कि चाचा जी घर जाते तुमसे सबसे पहले फोटो के बारे में पूछेंगे, तो तुम बोल देना आज फोटो मिली ही नहीं, कल मिलेगी। फोटो बड़ी हो रही है। बापूजी के सामने मैं झूठ नहीं बोल सकता, वही तो प्रॉब्लम है। मान लो जेठा भाई, कभी दादाजी का फोटो मिला ही नहीं। तू क्या चाहता क्या है? मैं हमेशा हमेशा के लिए गोकुलधाम सोसाइटी छोड़कर चला जाऊं? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मेरे कहने का मतलब ये था कि मान लो। मान लो जेठा, जरा दया भाभी को घर पे फोन करके पता कर लो ना, चाचा जी सो गए या जाग रहे। फोन बापू जी ने उठाया तो फोन काट देना। घर पर कॉलर आईडी तो नहीं है। हाँ। हेलो बापूजी सो गए? आप बार बार क्यों पूछ रहे हो कि बापूजी? तू ज्यादा जोर से मत बोल, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। बापूजी सो गए कि नहीं? नहीं, अभी थोड़ी देर पहले पानी पीने के लिए आया था। अब तो बता ही दो क्या हुआ है।
बार बार पूछ रहा है बापूजी सोए कि नहीं, सो जाए तो बता ना क्या हुआ क्या है। वो मैं तुझे घर पे आके सब बताता हूँ, तू खाली बापूजी सो जाए तो मुझे फोन करना, ठीक है? और सुन, ये सब पंचायत करना, बापूजी के साथ बैठ मत जाना। क्यों? अरे भाई बोला ना घर पे आके बताता हूँ तुझे, अभी तो क्यों का क्यों को मत कर, ठीक है? बापूजी नहीं सोए अभी तक। सुना सुना